हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल रुकस्टार। और मैं हूँ रुकसार। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ होम डेकोर हॉल। और ये सारी ही चीज़ें मैंने परचेज करी हैं फ्रॉम द ऐप मीशो। और मीशो एक ऑनलाइन ऐप है जहाँ से आप सिंपली बहुत सारी चीज़ें परचेज कर सकते हैं, लाइक होम डेकोर, ज्वेलरी, फैशन, ब्यूटी, बहुत सारी चीज़ें लाइक कुर्ती, कुर्ती सेट्स, वेस्टर्न आउटफिट, सब कुछ वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और होम डेकोर के तो इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिलते हैं ना वहाँ पर। ओह माय गॉड, मतलब जब मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कि यार ये इतने सस्ते में भी चीज़ मिलती है। हाँ, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊँ यहाँ पर कि जो अदर वेबसाइट्स पर आपको ज़्यादा कॉस्टली नज़र आएगा ना, इस पर आपको थोड़ा सा अफोर्डेबल और रीजनेबल प्राइस पे मिलेगा। प्लस यहाँ पर कोई भी शिपिंग चार्ज नहीं पे करना होता है किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर। एंड गाइज, मीशो पर आप अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं इन डिटेल आपको बताऊंगी कि आप मीशो पर अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज का हॉल। जो फर्स्ट थिंग है वो है एक नियॉन लाइट या फिर नियॉन साइन आप कह सकते हैं। ये देखकर ना मैं काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हुई थी इंस्टाग्राम्स पर। तो काफ़ी सारे बैकग्राउंड्स पे ये चीज़ ना लगी रहती थी और मुझे यार लगता था ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ लग रही है। तो काफ़ी इंस्टाग्राम स्टोर से भी मैंने पूछा कि यार ये कितने का मिलेगा या फिर इसका रेट क्या है। तो किसी ने 2000 बताया, किसी ने 5000, किसी ने 8000 तक मुझे रेट इसका बताया। साइज़ के ऊपर डिपेंड था वो। तो ये वाला साइज़ मुझे चाहिए था, इतना बड़ा साइज़। और इसी का काफ़ी सारे लोगों ने 8000, 7000 ऐसे ऐसे प्राइजेस बताए थे मुझे। बट मीशो पर गाइज ये मुझे आई थिंक 500 समथिंग का मिल गया। मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस, कहाँ 7000 कहाँ 500 रुपीज़, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये कुछ इस तरीके की नियॉन लाइट है। जब ये ब्लिंक होती है ना, ये पिंक शेड में, इसमें ग्रीन शेड भी आपको मिलेगा, पर्पल शेड भी आपको मिलेगा, बट मैंने लिया है ये पिंक शेड। एंड ये लव नाम का साइन है, तो आप किसी को गिफ्ट करने के लिए भी ले सकते हैं। यानी इतना अफोर्डेबल मुझे मिला, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई ये चीज़। और बिल्कुल भी कहीं से टूटा फूटा कुछ भी नहीं था। और यहाँ पर इस तरीके के सेल्स के साथ भी ये चलेगा, मतलब इसमें आप सेल लगाएंगे, सेल के साथ भी चलेगा, बैटरी के साथ भी, प्लस ये आपको चार्जर के साथ अपने लगा करके तब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर आप देखिए ना, इस तरीके से ये हैंग करने वाला है। तो अब दीवार पे इसको इस तरीके से हैंग करके अपने बैकग्राउंड पर सजा सकते हैं इसको अच्छे से। मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी, इसलिए मैंने तो फटाक से ले लिया जैसे मुझे ये मीशो पर मिला गाइस। ओके, जो नेक्स्ट है वो है यहाँ पर एक वॉल क्लॉक और फ्रॉम द ब्रांड डॉलर। कि मुझे बहुत ज़्यादा ना ऐसा लगा कि बहुत प्रेशियस सा लगा इसको देखते ही मुझे। अच्छा, ये थोड़ा सा इस तरीके का है, तो इस पे एक साइड पर मोहम्मद एंड एक साइड पर अल्लाह लिखा हुआ है। ओके, मैं निकाल के दिखा दूँ आपको। तो काफ़ी अच्छा खासा साइज़ है ये इस तरीके का। और इसमें सेल वगैरह डला हुआ है। अभी बज रहे हैं रात के 12:30, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पहले ही अपनी वीडियो शूट कर लूँ, तो अगर वो लोग आते हैं तो उनको ज़्यादातर टाइम दे पाऊँ। मेरे इन लॉज अगर आते हैं, तो आते हैं क्या है, मतलब आना तो उनका पक्का ही है, तो आते हैं तो मैं उनको ज़्यादा टाइम दे सकूँ। इससे इंस्टेड मैं अपनी वीडियोस वगैरह शूट करने में बिजी रहूँगी तो मैं उनको कम टाइम दे पाऊँगी, इसलिए मैं इतनी रात में भी वीडियो को शूट कर रही हूँ। सो आई थिंक कि मुझे ये वीडियो पहले से शूट करके रख लेना चाहिए जिससे कि मैं उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकूँ। तो ये थी मेरी सेकेंड थिंग जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई और इसको मैं लगाऊँगी अपने यहाँ पर। नेक्स्ट मैंने लिया है, बहुत ही काम की चीज़ है गाइज, ये लिया है मैंने धागा, मतलब थ्रेड होल्डर, जो कि इस तरीके का है। काफ़ी बड़ा साइज़ है ये, मैंने फर्स्ट टाइम नहीं, इससे पहले भी मेरे पास था, वो मम्मी लाई थी लोकल मार्केट से लेकर के आई थी, बट वो साइज़ ना इतना साइज़ है, ये साइज़ है वो। तो उसमें पूरे धागे नहीं आ पाते हैं। आप लोग जानते हैं कि मुझे स्टिचिंग का बहुत ज़्यादा काम होता है, तो बहुत सारे धागों का कलेक्शन है मेरे पास, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का, इसलिए मैंने ये बड़ा साइज़ का मंगवाया है। मीशो पे मैंने देखा कि बहुत ही अफोर्डेबल मिल रहा था, आई थिंक 200 समथिंग रुपीज़ का। एग्जैक्ट प्राइस मैं साइड में कहीं पर लिख दूंगी। ये अंदर से इस तरीके का है, इसमें आप रख सकते हैं थ्रेड, सॉरी लाइक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, टिच बटन, निडल वगैरह, अच्छे से इसमें आप यहाँ पर आप ऊपर कैंची वगैरह रखने का काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है। और अंदर इतने सारे आपके ये थ्रेड्स आ जाएंगे, ऑल टोटल आई थिंक 120 थ्रेड्स इसमें आते हैं। ओके, यस, 40
45 रील्स इसमें आएंगी और ऊपर भी आप काफी सारा सामान रख सकते हैं इस तरीके से। ऊपर वाली साइड पे बना हुआ है कि आप कैसे कैसे क्या क्या सामान रख सकते हैं, लाइक बॉबिन थ्रेड वगैरह। तो जो लोग स्टिचिंग करते हैं ना वो लोग समझ गए होंगे कि ये कितनी ज्यादा काम की चीज़ है। सारी चीज़ें जो सिलाई वाली होती है ना वो इधर उधर फैली रहती हैं, इसलिए ये वाली जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। इसको आप ऐसे हैंग करके कहीं पे भी ले जा सकते हैं। दिस इज लाइट पिंक कलर, इसमें आपको पर्पल शेड भी मिल जाएगा एंड ब्लू कलर भी आई थिंक अवेलेबल है। नेक्स्ट मैंने लिया है होम डेकोर के लिए, यह एक हैंगिंग वाला है, बहुत ही क्यूट एंड ब्यूटीफुल सा है ये। तो मैंने ना अभी सारी चीज़ों को यूज़ नहीं किया है, अभी कुछ चीज़ों को ही यूज़ किया है। तीन आपको टी लाइट कैंडल्स मिलेंगी, छोटे छोटे साइजेस वाली होती है ना, अगर ये ख़त्म हो जाए तो 100 का पैक मिलता है। आप कहीं से भी ले सकते हैं, लोकल मार्केट से या फिर पूजा वगैरह का जहाँ पे सामान मिलता है उन वाली स्टोर्स पे अवेलेबल रहता है। ओके, तो ये ऐसे हम हैंग कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रीटी लगेगा ये देखिए इस तरीके से। आप कहीं मतलब जैसे शैंडिलियर के पास तरह से भी हैंग कर सकते हैं इसको, बट आप दीवार पे भी इसको इस तरीके से हैंग कर सकते हैं और इस पे दिए रख के जलाएंगे ना तो इट लुक्स सो एस्थेटिक, बहुत ही अच्छी सी वाइब्स आती है इससे। मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया ये वाली चीज़। ओके, जो नेक्स्ट मैंने लिया है वो लिया है यहाँ पर मैंने, ये इस तरीके की कुछ पैकिंग में आया था और अभी तक मैंने इसको खोला नहीं है। आई डोंट नो व्हाई, मैंने क्यों नहीं खोला इसे, मैंने सोचा कि मैं वीडियो में ही साथ के साथ खोलूंगी। तो ये है एक ड्रीम कैचर, आप लोगों ने केवल अभी ये वाला ही ड्रीम कैचर मेरे पास देखा है जो कि वाइट कलर का है। ये काफ़ी टाइम पहले आई थिंक मैंने लिया था, जस्ट 100 रुपीज़ का मुझे मिल गया था, लाजपत नगर मार्केट से मैंने ये लिया था। और ये बहुत ही मतलब ये वाला कलर जो मुझे ना देखते ही ऐसा लगा कि यार ये वाला कलर तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये भी आई थिंक मुझे 100 के अंदर ही मिल गया या फिर 150 रुपीज़ का मिला है। और इसका जो साइज़ है वो छोटा है मेरे इस वाले साइज़ से, और इसके जो ये फैदर्स है ना ये भी थोड़े से कम फ्लफी है मेरे उधर उस वाले फैदर से। तो अगर कंपैरिजन करूँ तो प्राइस के अकॉर्डिंग ये मुझे थोड़ा सा महंगा मिला है, बट हो सकता है कि वो मैंने बहुत टाइम पहले लिया था और अब इसके रेट्स काफ़ी बढ़ गए हैं क्योंकि काफ़ी लोग खरीदने लग गए इसको। सो इस तरीके का ये पिंक एंड येलो कलर का मैंने ये ड्रीम कैचर लिया है। इट लुक्स मतलब ये वाला साइज़ तो काफ़ी बड़ा है बट इसके जो हैंगिंग्स हैं वो मुझे थोड़े से छोटे लग रहे हैं, बट इट लुक्स गुड। अच्छा, नेक्स्ट मैंने लिया है ग्लासेस का सेट है ये, और हम ये यूज़ कर चुके हैं। दीज आर अनब्रेकेबल ग्लासेस गाइस, ये कोई होम डेकोर का नहीं है बट मैंने सोचा कि मैंने लिया है तो मैं आप लोगों के साथ कुछ इसमें शेयर कर देती हूँ। बहुत ही काम की चीज़ है, बिल्कुल भी आप चाहे जितनी दूर से फेंक दें इसे ये बिल्कुल भी टूटने नहीं वाला। दिस इज अनब्रेकेबल लिखा भी है यहाँ पर, और ये जस्ट आई थिंक 200 समथिंग रुपीज़ के एट ग्लासेस मिले हैं, मतलब इतना अफोर्डेबल मुझे लगा। इस पर ना डिज़ाइनिंग है, कुछ ऐसा डिज़ाइनिंग है, तो ये चीज़ मैं आपको रिकमेंड करना चाहती थी जल्द से जल्द, इसलिए मैं इसी हॉल में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट मैंने लिया है ये लाइटर गाइज, मेरी एक कैंडल है ग्रीन ग्रास वाली जो कि रात में मैं अक्सर जलाती हूँ, तो उसका वो जो जलाने वाला है ना वो काफ़ी नीचे जला गया है, तो मैं उसको मैच स्टिक के साथ जल्दी से जला नहीं पाती, इसलिए मैंने ये वाली चीज़ ली है। और ये मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ में देखा था तो आई थॉट कि ये वाली चीज़ काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी गाइज, तो इसको मैं आपको एक बार यूज़ करके दिखाऊँगी कैसे निकलेगा। ओके, ये कुछ ऐसे गन टाइप में है, यहाँ से अब ये लॉक है, पहले हम इसको ऑन करेंगे और यहाँ से आप इसकी फ्लेम को ना कम और ज़्यादा कर सकते हो, तो मैं थोड़ा दूर रख कर ही चलाती हूँ इसे। ओके गाइस, आप देख रहे हैं ये कुछ इस तरीके से जल जाएगा, और अभी फैन चल रहा है तो हो सकता है ये उड़ रही है, तो इस तरीके से ये काम करता है। ये रिफिल फिल होकर आई है, यहाँ पर ना रिफिल वाले पैक भी मिल रहे थे, सो मैंने सोचा कि पहले मैं कुछ ऐसा ही मंगा के देखूँ, लेट्स सी कि ये कैसा वर्क करता है, बट ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है ये। नेक्स्ट एंड जो लास्ट थिंग है वो आप लोग बहुत टाइम से पूछ रहे हैं, जो कि मेरे बैकग्राउंड पे हमेशा रखा रहता है, ये है बैंगल स्टैंड गाइस, बहुत ही एंटिक टाइप का है ये। ओ शिट, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, लाइक इसमें ना इस तरीके के बैंगल स्टैंड करने के लिए इस तरीके के ये हैं, ये पूरे रॉड्स टाइप दिए हुए हैं और ये वुडन है, बिल्कुल वुडन, बिल्कुल क्या कहेंगे ठोस वाला वुडन है, तो बिल्कुल लकड़ी के काम से बिल्कुल बनाया हुआ है। इसमें आप आराम से अपनी चूड़ियों निकाल सकते हैं एंड डाल सकते हैं, यहाँ से ये इस तरीके से स्टैंड हो जाएगा, तो ये जस्ट आपने इसको इसके अंदर ऐसे लगा देनी है, बहुत ही इजी रहता है इससे इसको यूज़ करना। एंड साइड से दिखाऊँ मैं कितना प्रिटी डिज़ाइन है इसका, एंड यहाँ पर
बहुत ही खूबसूरत सा एंटिक टाइप ऑफ डिजाइन है, थोड़ा सा ना एंटिक पॉलिश के साथ है एंड बहुत ज्यादा प्रिटी लग रहा है मुझे अपने रूम में रखा हुआ सा। इसकी जो भी ये जब मुझे रिसीव हुआ था, ये सारी चीज़ें ना, ये सारे रॉड्स बिल्कुल अलग अलग थे, तो मुझे पता ही नहीं चला यार इसको जोड़ना कैसे, इसको जोड़ना कैसे। तो एक जो रॉड था इसमें वो हुक वाला था, ऐसे खुलने वाला था। मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको, ये इसका रॉड है, तो ये इस तरीके से खुलने वाले रॉड्स थे, ये इसके अंदर इस तरीके से फिट हो जाते हैं। तो ये जो दो स्टैंड है ना वो अलग अलग रहते हैं, ये वाले जो दो स्टैंड है ये बिल्कुल अलग अलग रहते हैं, इनको हमें आपस में जोड़ना होता है। तो सारी चीज़ें आपके पास अलग अलग आएंगी गाइस, वो रॉड गिरने वाला है, तो ये सारे रॉड्स आपके पास अलग अलग ही आएंगे, तो आपको इसे खुद ब खुद जोड़ना होगा गाइज एंड बैकग्राउंड पे रखा होगा, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। एंड जो मैरिड वुमेन है ना, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है कि यार हम अपनी चूड़ियाँ कहाँ पे रखें, फिर बॉक्स के अंदर बंद करके फिर उसे रखना होता है, और जब कोई न्यू ड्रेस पहनो तो उसको देखो यार ये वाली चूड़ी कहाँ गई। तो ऐसी चीज़ नहीं होगी इसके साथ, अगर आप ये ले लेंगे तो इसमें काफ़ी सारे सेट्स आ जाएंगे। अभी भी मेरे काफ़ी सारे यहाँ पर जो रॉड्स हैं ना वो खाली हैं। जो मुझे एंगेजमेंट पे मेरी बैंगल का पूरा सेट मिला था वो तो उसमें मतलब पूरा एक था उसमें, उसको बैंगल स्टैंड ही बोलेंगे, बैंगल बॉक्स बोलेंगे, आई डोंट नो, मुझे इस टाइम पे याद नहीं आ रहा, बट मुझे याद था, आप लोग कमेंट्स में बता देना। तो वो उसमें ही पूरा पैक होकर रखी हुई है, वो तो बिल्कुल सेफ तरीके से रखी है। जो मेरे पास एक्स्ट्रा थी वो मैंने यहाँ पर रख दी है, तो अब मुझे बॉक्स में से बार बार खोल कर देखना नहीं पड़ेगा, इस वाले डब्बे में है, इस वाले डब्बे में है, कौन से डब्बे में है। तो या ये सारी चीज़ें थी आज की जो हॉल में, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एंड मैं सबसे ज़्यादा सजेस्ट करूँगी ना आपको, वो है ये नियॉन लाइट, डेफिनेटली आप लोगों को लेना चाहिए, मेरा फेवरेट चीज़ है इसका। अब मैं बताती हूँ आपको मीशो के बारे में। सो मीशो एक ऑनलाइन वेबसाइट है, ऐप है, जहाँ से आप डिफरेंट चीज़ें परचेज कर सकते हैं। नॉर्मली जैसे आप सिंपल सारी ऐप से परचेज करते हैं बिल्कुल वैसे ही, बट यहाँ पर आपको एक एक चीज़ को ऐड टू कार्ट करना होगा और उसका पेमेंट करना होगा, क्योंकि सारी चीज़ें अलग अलग जगह से आती हैं, अलग अलग सेलर्स से आती हैं, अलग अलग इसमें आपको डिलीवरी चार्जेस भी नहीं देने होंगे। अब मैं आपको बता दूँ कि अगर आप यहाँ से कोई चीज़ खरीदना नहीं जबकि बेचना चाहते हैं तो आप मीशो के थ्रू बेच सकते हैं। अगर आपका जो फैन बेस है या फिर आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो आप वहाँ पर भी अपनी चीज़ों को सेल कर सकते हैं। मीशो से आप डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, या फिर आपके पास कोई भी कैपिटल नहीं है, पैसा नहीं है लगाने के लिए, लेबर नहीं है आपका सामान पहुँचाने के लिए, तो मीशो इज़ दी ऐप फॉर यू गाइज। आप डायरेक्टली मीशो से पैसे कमा सकते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको कैसे, यहाँ पर आपको पैसे कमाने हैं मार्जिन ऐड करके। आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से शेयर करेंगे तो उस पर आप अपना मार्जिन ऐड करके देन आप वो व्हाट्सएप ग्रुप पर या फिर फेसबुक पेज पर कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं, और वो जो इन्फॉर्मेशन शेयर होगी वो आपके नाम से शेयर होगी, मीशो के नाम से बिल्कुल भी नहीं शेयर होगी। वो ऐसा दिखाएगा कि वो आप अपना प्रोडक्ट किसी को बेच रहे हो। तो इस तरीके से आपको अपनी बातचीत बनानी पड़ेगी कि लोग इस तरीके से खरीदें कि वो चीज़ आप बेच रहे हैं, बट उस पर आपको कैसे कमाना है वो मैं आपको ऐप पर चल के बताती हूँ, तब आपको अच्छे से समझ आएगा कि आपको कैसे मार्जिन ऐड करना है एंड अपना कैसे कमीशन बनाना है। तो चलिए चलते हैं, पूरी कैटलॉग खुल जाएगी, तो आप इसको डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, और ये मीशो के थ्रू शेयर हो जाएगा आपके व्हाट्सएप पर आपको जिसको भी सेल करना है यानी कि बेचना है। तो ये आपके नाम से जिस भी बंदे को आपको बेचना है उसके पास आपके नाम से ये चला जाएगा, देन इसका डिस्क्रिप्शन भी चला जाएगा। उसके बाद में मान लीजिए कि उनको ये पसंद आ गया और उनको ये परचेज करना है, तो अब आपको इसका प्राइस उनको बताना है। तो मीशो पर देखिए इसका प्राइस है अभी 366। इसका साइज सिलेक्ट करके आपको इसको ऐड टू कार्ट कर लेना है, देन देखें यहाँ पर आपको इस तरीके से ऑप्शंस दिख जाएंगे। तो आप कैश ऑन डिलीवरी भी करवा सकते हैं, आप ऑनलाइन भी पे करवा सकते हैं। तो उसके बाद में देखिए जब आप इसको प्रोसीड करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके की स्क्रीन आ जाएगी। तो यहाँ पर आपका मार्जिन वाला रेट आपको यहाँ पर ऐड करना है। तो जैसे कि ये 366 रुपीज़ की है तो यहाँ पे मैं 400 रुपये ऐड कर दूँगी, तो 40 रुपये या फिर 35 रुपये अप्रॉक्स आपका मार्जिन वाला पार्ट बन जाएगा। तो मान लीजिए कि कोई भी चीज़ 100 रुपये की है तो उसको आपने 150 रुपये में बेचा, तो आपका जो 50 रुपीज़ है वो आपका मार्जिन प्राइस बन जाएगा, जिसमें आपने 50 रुपीज़ कमा लिए हैं। तो इस तरीके से मीशो वर्क करता है, और इस तरीके से आप अपनी चीज़ें बेच सकते हैं मीशो के थ्रू विदाउट कैपिटल, विदाउट इन्वेस्टमेंट। आई होप कि आप लोगों को मीशो के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा।
और अगर कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और ऑल्सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है rukh.star, तो वहाँ पर आप फॉलो कर लीजिए मुझे, देन मैं आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब डेफिनेटली देने वाली हूँ। तो यस, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, हाफिज़।